वेलकम अगेन गाइस, आई होप आपने प्लेलिस्ट एंड इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा इस वीडियो को, नहीं आई मीन प्रीवियस वीडियो को। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट बिलो यार, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ मुझे कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूँ या मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो लगाने की ज़रूरत है। तो कमेंट बिलो प्लीज़, डोंट फॉरगेट। तो करने क्या वाले हैं इस वीडियो में, इस वीडियो में मैंने एक एजेंडा तैयार किया है, जिसमें क्या है, एजेंडा का मतलब है कि एक सूची, मतलब एक रिमेंबर फॉर, यार एट द टाइम हम भूल जाते हैं तो याद आ जाता है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कीज़ जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स टैग है, टेबल्स टैग, इन दोनों को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, हो सकेगा तो और कुछ अच्छे टैग्स देख लेंगे, ठीक है। तो टैग्स का ही कमाल होता है और उसी के अंदर CSS लगाई जाती है, ठीक है, विदाउट टैग्स एंड CSS हमारी जो वेबसाइट है वो बियर्ड लगेगी, ठीक है, अब्सर्ड लगेगी, ठीक है। तो करने क्या वाले हैं इसमें, मैं एक वीडियो 5 से मैंने बना लिया ऑलरेडी, ठीक है, और उसमें मैंने टाइटल डाल दिया है टेबल्स एंड डिटेल्स। तो इसके अंदर पहले मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स टैग क्या होता है, डिटेल्स, ठीक है। तो डिटेल्स टैग के अंदर जो भी डालेंगे हम वो क्या रहेगा, अभी दिखाता हूँ मैं क्या रहेगा, ठीक है, दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा रहता है, जहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डिटेल्स दिखा देगा, देखो क्लिक करने पर ये सारा डिटेल्स दिखा देगा। और फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक यहाँ पर लिखना है कि इस पर क्लिक करो तब जाके डिटेल्स आपको दिखाई पड़ेगी, तो मैं लिख देता हूँ क्लिक, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा यहाँ पर, यहाँ पर लिख देता हूँ H1, मतलब H2 डाल देता हूँ एक हेडिंग, और इसमें लिख देता हूँ क्लिक टू नो, क्लिक टू नो द डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स। तो यहाँ पर अगर कोई क्लिक करेगा तो उसे जो लॉरम लिखा है हमने, मतलब डिटेल्स टैग के अंदर लिखा है, तो वो उसे देखने को मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया कि क्लिक टू नो द डिटेल्स, तो जब डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ यार, इस मतलब ये डलाई है ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे हमारा फॉर्म भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, जो भी आपको डालना है तो वो हो सकता है। तो डिटेल्स टैग, दैट्स ऑल अबाउट डिटेल्स टैग यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता डिटेल्स टैग, ठीक है। और इस वीडियो में हम देखने वाले थे सेकेंड वन, इसकी हम देखने वाले टेबल्स टैग। तो टेबल्स टैग तो मैं बताता हूँ क्या होते हैं, टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर क्या रहता है, जैसे हमारी ये HTML की बॉडी रहती थी तो इसमें सारा कंटेंट दिखाई पड़ता था, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी हम टेबल बनाएंगे उसकी रो, कॉलम, सेल सब कुछ हमें इसमें दिखाई पड़ेंगी। तो मुझे मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि मुझे रो कितनी चाहिए, तो यहाँ पर कुछ टैग्स देख लेते हैं उससे पहले, बनाने से पहले। तो हमारा पहला टैग कौन सा है, पहला टैग हमारा रहता है TR, जिसे कहते हैं टेबल की रो, ठीक है। तो अब मुझे कितनी रो चाहिए पहले तो वो देख लेता हूँ मैं, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, अभी तो मैं क्या रह लेता हूँ, व्हाट आई डिड, ओके ऑल्ट कर दिया मैंने, तो शिफ्ट ऑल्ट डाउन, तो मुझे 4 रो चाहिए, 5 ले लेता हूँ, ठीक है। और 5 रो के अंदर मुझे क्या चाहिए, पहली में तो मैं हेडिंग लूँगा, तो इसके अंदर क्या डाल दूँगा, मुझे कितनी हेडिंग चाहिए, ठीक है, कितनी हेडिंग चाहिए मुझे, तो TH, तो एक ये मेरी हेडिंग हो जाएगी। तो पहले मैं लिख देता हूँ फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हेड, फर्स्ट H लिख देता हूँ, और एक हेडिंग चाहिए मुझे इसके लिए, और कंट्रोल C, तो दूसरी मुझे किसके लिए चाहिए, मतलब 3 हेडिंग लेंगे, तो एक H2 हेडिंग और H3 हेडिंग, ठीक है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, नेम हो सकता है, लास्ट नेम, एज, जेंडर, आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, जस्ट फॉर शोइंग की यार ऐसे काम करेगा, ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग एंड थर्ड हेडिंग, तो ये अगर आप देख सकते हो तो ये बोल्ड है, ठीक है, लेकिन अभी जो लिखेंगे इसके अंदर वो बोल्ड नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ TH लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, TH का मतलब है हेडिंग, तो हेडिंग क्या रहती है, बोल्ड रहती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, मुझे चाहिए एक रो के अंदर चाहिए मुझे 3 सेल, व्हाट आई मीन टू से 3 सेल, कि मुझे चाहिए 3 कॉलम, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, TD, तो TD के अंदर क्या लिखूँगा मैं,
फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ वन, ठीक है, वन लिख देता हूँ, वन लिख देता हूँ, कंट्रोल सी, और मुझे तीन चाहिए क्योंकि मैंने तीन हेडिंग दिए तो मुझे तीन चाहिए। तो ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। मैं भी दिखाऊंगा आपको इसको, ठीक है, करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है, बिकॉज यार आपको बिलीव नहीं करना चाहिए जब तक आप देख नहीं लेते उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तीनों पेस्ट कर दिए हैं, तो होगा क्या इससे, अभी दिखाता हूँ क्या होगा। ओके, तो ये तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं हुआ क्या एक्चुअली। आई थिंक वन सेकेंड, टी बॉडी के अंदर मैं अपना एक टैग डालना भूल गया जो कि है टेबल, तो टेबल तो बनानी पड़ेगी ना, ठीक है, तो कंट्रोल एक्स और इसमें डाल दूँगा कंट्रोल वी। तो अब क्या होगा, अभी जो एक लाइन में बखेरा हो गया था ना, अभी ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये टीडी अपनी सेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इसमें ये मेरी फर्स्ट है, ये मेरी सेकंड रो है, इसमें मुझे चार सेल्स चाहिए, ठीक है, कंट्रोल सी, और मैं क्या करूँगा इसे कंट्रोल बी कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी अभी देखना है, इधर मैं फोर लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, फोर हो जाएंगी, ठीक है, ये बाहर आ रही है, ये H3 की मतलब फर्स्ट H3 की है, हेड फर्स्ट सेकंड, और फर्स्ट को मैं थोड़ा चेंज करना भूल गया, तो इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, H1, और इसको हटा देता हूँ, तो H1 H2 H3 से दिखेंगी वहाँ पे। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी इधर, तो एच हटा दिया, ठीक है, एच हटा दिया था, तो यहाँ पे अभी सही दिखेगा, ठीक है, H1 H2 H3, तो H4 की अभी ये फोर, तो मुझे इसमें सेल्स चाहिए, इसकी हेडिंग नहीं चाहिए, तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा नहीं लग रहा है एग्ज़ाम्पल, तो क्या करूँगा मैं इसे, पहले कर दूँगा इसे नेम, और नेम कर दूँगा इसे, ठीक है, नेम कर दूंगा इसे, वन सेकेंड नेम कर देता हूँ इसे, और इसे कर देता हूँ लास्ट नेम नहीं कर देता हूँ यार, इसे नेम होता है, ठीक है, और इसे कर देता हूँ मैं एज कर देता हूँ, और इसे कर देता हूँ मैं जेंडर, ठीक है, जेंडर। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, नेम में कोई ए लिख देता हूँ, ठीक है, अंकुश लिख देता हूँ यार, अंकुश, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, अंकुश 12 साल का है, मतलब ईयर का है, और जेंडर में ये है मेल, ठीक है। तो इस फोर्थ वाली को अभी मुझे नहीं चाहिए इसको, ठीक है, क्योंकि मेरी हेडिंग कितनी है, हेडिंग मेरी ओनली 3 है, तो अभी क्या करूँगा मैं, कंट्रोल सी करूँगा मैं, और शिफ्ट ऑल्ट डाउन, तो ये नीचे तक का क्या हो जाएगा, इसको हटा के इसका नाम पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो एज तो इनकी आई थिंक ठीक है यार, चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कंट्रोल सी और शिफ्ट ऑल्ट, और जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वहाँ चेंज हो जाएगा मेल, ठीक है, मेल को कंट्रोल सी करता हूँ मैं, और शिफ्ट ऑल्ट और नीचे क्लिक, तो ऐसा बढ़ जाएंगे, कंट्रोल वी। तो अभी देखोगे तो देखना अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, एज इसकी ये, नेम इसका ये, जेंडर इसका ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो। अब इसको सजाने का तरीका हम अब करते हैं, ठीक है, तो स्टाइल टैग डाल लेते हैं पहले। तो हमारी जो टेबल है, टेबल के अंदर क्या लिखना है हमें, 2 pixel सॉलिड, इससे क्या होगा, सॉलिड, वन सेकेंड बॉर्डर देना, तो बॉर्डर अभी दिखाता हूँ बॉर्डर क्या होती है, ठीक है। तो बॉर्डर होती क्या है, इसके राउंड पर एक लाइन आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है, लाइन आ जाएगी। तो देखो अभी क्या होता है, दिखाता हूँ बॉर्डर 2 pixel, मतलब कितनी मोटी चाहिए, तो 2 pixel की चाहिए हमें, ठीक है, तो उसका मतलब वेट क्या होना चाहिए, व्हाट आई मीन टू से, ठीक है, तो पिक्सल मतलब उसका वेट कितना होना चाहिए उस लाइन का, बॉर्डर, ठीक है, 2 pixel सॉलिड होनी चाहिए, सॉलिड, वैसे आप और भी ले सकते हो, बट सॉलिड इट्स आर टोटली फाइन,
कि सॉलिड ही लोगे आप, ठीक है सॉलिड। और हमें क्या चाहिए, इसकी चाहिए हमें ग्रीन, ग्रीन कलर से आनी चाहिए, ठीक है ग्रीन। तो अभी देखोगे तो यहाँ पे क्या आ गई, एक बॉर्डर आ गई, मतलब ये दिखा रहा है कि हमारी ये क्या है, टेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब में हम डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यार, अभी हमें किस में डालना है, अभी मुझे कोई दूसरे में डालना है, मतलब मुझे ये दिखाना है कि ये रो है TR, ये TR देख रहे हो, TR मतलब टेबल रो। अब इसको मुझे किससे हाईलाइट करनी है, देखो यार यहाँ से क्या बन जानी चाहिए, एक लाइन ड्रो हो जानी चाहिए यहाँ से, और एक लाइन यहाँ से ड्रो हो जानी चाहिए, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो मुझे करना क्या है, मैं लिखूँगा यहाँ पे TR, और इसके अंदर भी क्या कर दूँगा, यही डाल दूँगा मैं, मुझे इतनी इतनी वेट की क्या चाहिए, मुझे एक लाइन चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन को क्या कर देता हूँ मैं, कुछ ब्लू टाइप का कर देता हूँ, ठीक है ब्लू टाइप का कर देता हूँ। तो क्या होगा, उससे क्या हमें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये आई थिंक हो गया नहीं रहा है, तो हो नहीं रहा यार, हुआ क्या गड़बड़, ठीक है अभी देखते हैं हुआ क्या। तो आई थिंक सेव करता हूँ, बट सेव ऑटो सेव ऑन है मेरा, बट हो नहीं रहा है, आई थिंक कुछ गड़बड़ है। हाँ तो मैं देखता हूँ यार, देखता हूँ इधर से कुछ TR के, अच्छा टेबल के TR देखते हैं, अभी टेबल के TR से देखते हैं कुछ होता है कि नहीं, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो करते क्या हैं, टेबल हो गया टी बॉडी TR, टेबल के TR के TD में डालते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इससे कुछ हो जाएगा, और देखते हैं होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या हो गया, और कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है। तो सबको घेर लिया इसने, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो रो में चाहिए। अब वो काम कैसे कर सकते हैं हम, देखो यार सिंपल, अभी मैं क्लास लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्लास चल यार अभी लिख नहीं रहा मैं, ठीक है अभी इससे ही कुछ करके देखता हूँ, अगर इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा फिर देखते हैं, ठीक है। इससे TR वैसे तो हो जाना चाहिए, बट यार लेट्स सी होता है कि नहीं, बट ये हो नहीं रहा, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, तो यार देखो ये हो नहीं रहा, और इसके लिए चाहिए क्लासेस एंड ID, तो वो अगली वीडियो में इसी एग्ज़ाम्पल के साथ डिस्कस करूँगा मैं, तो वो चीज़ हो जानी चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तो मिस्टेक नहीं हुई हमसे, यहाँ से आई थिंक नहीं हुई है मिस्टेक, ऑब्वियसली नहीं हुई यार, ठीक है। तो यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, अगर मैं TR के TD में दे दूँ, मतलब सेल में, सेल को अगर राउंड कर दूँ, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये हो रहा है यार, ये काम हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ID और क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करना पड़ेगा यार। ये वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं टेबल बनाकर। तो यार अगर आपको देखो डिफरेंस बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आप वेबसाइट पे देखते हो डिफरेंस देखते हो, तो उसमें क्या होती है, हमारी क्या होती है, मतलब बहुत सारी उसमें रो होती हैं, कॉलम्स होते हैं, बट मोस्टली क्या होता है उसमें दो ही कॉलम होते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करूँगा मैं, TR डाल देता हूँ यार, उसमें TR है ये, ना कि TA, ठीक है। तो TR में क्या रहेगा, एक हमारी हेडिंग रहेगी TH, ठीक है दो हेडिंग रहती हैं उसमें, तो दो हेडिंग डाल लूँगा मैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर और लैपटॉप में डिफरेंस करना है मुझे, तो मैं लिख दूँगा लैपटॉप और कंप्यूटर, डेस्कटॉप और लैपटॉप में होता है, कंप्यूटर दोनों ही होते हैं, ठीक है डोंट माइंड यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो आ जाएंगे, ठीक है अभी दिखाता हूँ मैं, दो आएंगे यहाँ पे। तो ये हटा दिया मैंने, डेस्कटॉप और लैपटॉप, तो ये अभी अंडर बॉर्डर हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ, बॉर्डर मैंने कर दिए रिमूव। और अभी इसके अंदर क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हम लेते हैं TR, मतलब रो चाहिए हमें, ठीक है। और इसके अंदर क्या चाहिए हमें, TD चाहिए, मतलब सेल चाहिए, व्हाट आई मीन टू से TD, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ लॉरम डाल देता हूँ, कुछ लॉरम ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, बट हो सकता है इतना,
जब डिफरेंस देखेंगे तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कंट्रोल भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अभी देखना आप, ठीक है। तो ये ना बकर गया है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ इसमें एक मतलब लाइन आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्योंकि ये शो होना चाहिए ना, तो अभी क्या करूँगा मैं एक बार और ट्राई करते हैं। अगर टी आर में कुछ होता है बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। वैसे तो कुछ होने वाला नहीं है, बट लेट्स सी यार क्या होता है, ठीक है। कुछ होने वाला नहीं है, कोई फ़ायदा हुआ नहीं है इसका। टी आर के टी डी में डाल के देखते हैं, टी डी में तो ऑब्वियसली हो जाता है, ठीक है। तो टी डी में आ जाएगी ब्लैक बॉर्डर, ठीक है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे ऐसे आप मतलब इसके डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं और एग्जांपल, मतलब और डालना है आपको इसी तरीके से। तो देखो यार कुछ नहीं है फिर तो, सिंपल है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते जाओ। तो बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे। अभी देखो रिलोड करता हूँ, ये देखो कितने सारे डिफरेंस हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस बना सकते हो लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर, इसमें डाल सकते हो ये रैंडम टेक्स्ट है लॉरेन, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंस कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, इस पूरे को पैक करना है, इस पूरे को पैक। तो एक पूरा किस में था, एक हमारा टेबल टैग में था, टेबल में था ना, टेबल में, ये देखो टेबल था, टेबल में डला ये सारा, देखो ये कंटेंट पूरे टेबल में डला है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, टेबल को थोड़ा अच्छा डाल देते हैं यार, टेबल टेबल को कुछ सजा देते हैं, बॉर्डर टू पिक्सल नहीं थ्री पिक्सल ठीक ना, मुझे बेड चाहिए, ठीक है। सॉलिड ग्रे 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 नहीं ग्रीन येलो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देख सकते हो आप, क्या होने वाला है, ठीक है। जस्ट रिलोड हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो यार आप, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस बन गया। तो अगर यहाँ पर और अच्छे से हमें सजाना है, तो उसके लिए अगेन आई से कि यार क्लासेस एंड आईडी से गुजरना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।